बस आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर हमें आईपीएल 2023 का मिनी ऑक्शन होते हुए दिखते हैं वाले। और आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से काफ़ी सारी बड़ी खबरें बाहर निकल कर आ रही है, तो सारी बड़ी खबरें हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम जीते आईपीएल 2023 का सीजन, तो हमारे इस वीडियो को भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप क्रिकेट और खासकर आईपीएल से वीडियो हमारे को वीडियो मिस न कर पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते पहली बड़ी खबर की या फिर कह ले पहले बड़े अपडेट की। यह बड़ा अपडेट कैमरॉन ग्रीन की तरफ से निकल कर आया। दरअसल दोस्तों कल कैमरॉन ग्रीन ने आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन के लिए अपना नाम सबमिट करवा दिया मिनी ऑक्शन के लिए। और दोस्तों हम सब जानते थे कि एमआई की टीम टारगेट करने वाली और भी चार पाँच आईपीएल की फ्रेंचाइजियाँ कैमरॉन ग्रीन को टारगेट करने वाली है। लेकिन दोस्तों जो पूर्व खिलाड़ी है और जो क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा, उनका मानना है कि एमआई की टीम को कैमरॉन ग्रीन को अपनी टीम के अंदर शामिल नहीं करना चाहिए। जहां दोस्तों आकाश चोपड़ा ने अपने एक इंटरव्यू माफ कीजिएगा दोस्तों स्टार स्पोर्ट्स पर लाइव कहा है कि एमआई की टीम नहीं जाने वाली कैमरॉन ग्रीन के पीछे, ना ही एमआई की टीम को कैमरॉन ग्रीन जैसे एक ऑलराउंडर की नीड है। क्यों कहा आकाश चोपड़ा ने? हालांकि आकाश चोपड़ा ज्यादातर मानने जाते हैं एमआई की टीम के खिलाफ भी बयान देते हैं। और दोस्तों आकाश चोपड़ा का एक बार फिर से मानना है कि एमआई की टीम को कैमरॉन ग्रीन को परचेस नहीं करना चाहिए, ऐसा सुझाव आकाश चोपड़ा ने दिया एमआई की टीम को। और दोस्तों आकाश चोपड़ा ने कहा कि एमआई की टीम को नीड नहीं है क्योंकि इनके पास में मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए डेविड ब्रिविस, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी है, तो इस टीम को कैमरॉन ग्रीन को अपनी टीम में नहीं करना शामिल करना चाहिए। लेकिन दोस्तों आकाश चोपड़ा भूल गए कि ऑलराउंडर भी है कैमरॉन ग्रीन, जो कि एमआई की टीम को ऑलराउंडर्स की भी नीड है, तो नंबर 5 या फिर नंबर 6 पर भी बैटिंग कर सकते हैं। वैसे आप लोगों की क्या राय है, कैमरॉन ग्रीन को एमआई की टीम को खरीदना चाहिए या फिर नहीं आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन के अंदर, तो आप अपने राय कमेंट जरूर करें। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले बड़े अपडेट की। यह बड़ा अपडेट मिनी आईपीएल की तरफ से निकल कर आ रहा है। दरअसल दोस्तों मिनी आईपीएल के अंदर हमें एमआई कैप्टन की टीम भी खेलते हुए दिखने वाली है। और दोस्तों एमआई कैप्टन की टीम के अंदर गेंदबाजों की बात की जाए, सैम करन है, कगिजो रबाडा, जोफ्रा आर्चर, राशिद खान जैसे दिग्गज खिलाड़ी है। और अगर जसप्रीत बुमराह भी जाते, यानी कि मिनी आईपीएल में अगर जसप्रीत बुमराह भी खेलते थे, तो हमें काफी मजबूत यानी कि एक तरफा टीम दिखती थी, एक तरफा सारे मैचेस हराती थी एमआई कैप्टन की टीम सभी आईपीएल की फ्रेंचाइजियों को। लेकिन जसप्रीत बुमराह नहीं खेलने वाले मिनी आईपीएल के अंदर। दोस्तों आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर वो फोटो देख पा रहे होंगे जो कि मुंबई इंडियंस की टीम की जो टीम है एमआई कैप्टन फ्रेंचाइजी उसके सोशल मीडिया अकाउंट से आई है, जिसमें कि हमें जसप्रीत बुमराह भी नजर आ रहे, जो फ्राचर भी, कगिजो रबाडा भी, और दोस्तों इस टीम के पास में सैम करन भी और राशिद खान भी है। तो दोस्तों काफ़ी बड़ा अपडेट है निकल कर आ रहे थे मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से। वैसे आप लोगों की क्या राय है, कगिजो रबाडा को मुंबई इंडियंस की टीम को बड़े आईपीएल के अंदर अपनी टीम में शामिल करना चाहिए या फिर नहीं? आप जसप्रीत बुमराह, जो फ्राचर और कगिजो रबाडा का कॉम्बिनेशन देखना चाहते हो या फिर नहीं, तो आप अपनी राय कमेंट जरूर करें आईपीएल के अंदर, तो आप अपनी राय कमेंट जरूर करें। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।